तो है फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए नमक पारी बना रही हूँ और ये नमक पारी कितने ही टेस्टी लगे बन के तैयार है। फ्रेंड्स, इसका कलर टेक्सचर कितने अच्छे से बने हुए हैं, बहुत अच्छे से बने हैं। ये क्रिस्पी भी बहुत दिन तक आप रह जाएंगे। इसको आप इसको डब्बे में रखो और कभी भी इसको निकाल के खाओ। प्लेटों का प्लेट ये ख़त्म हो जाएंगे। आप इसको चटनी के साथ खाओ या टी के साथ लो। तो फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ गेहूँ के आटे ली हूँ, 2 कप गेहूँ के आटे ली हूँ। और देखिए, इसमें मैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ 4 से 5 चम्मच सूजी ले रही हूँ ताकि ये बहुत दिन तक टिके और ये कड़क ही रहे। और मैं यहाँ काली मिर्च फ्लेवरफुल चीज़ें कुछ डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लगभग 1/2 चम्मच है ये। और इसमें अजवाइन, ये पाचन में भी सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, और ये फ्लेवर भी इसके बहुत अच्छे होते हैं स्नैक्स में, तो इसको ज़रूर डालें। 1 चम्मच मैं यहाँ अजवाइन लेके उसको हाथ से क्रश करके इसमें डाल दी हूँ। अब इसको सूखा ही मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने से पहले यहाँ नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक है और 2 चुटकी जैसा काला नमक है। दोनों नमक को यहाँ मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ और ये मिला लेते हैं। देखिए, पहले इसको मिला लेंगे अच्छे से, ये सूखा में ही अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, इसको मिला ली हूँ। और यहाँ देखिए, इसमें मैं जिस कप से या कटोरी से, जिससे भी आप, जिस बर्तन से आप मैनेजमेंट करें, तो उसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ इसी कटोरी से ली हूँ आटा। तो इसी कटोरी में 1/4 में मैं ऑयल ली हूँ और इसको मिला लेंगे। और देखिए, ये सारे तेल, लगभग 5 चम्मच ऑयल हुआ, ये मिल गए हैं। उसके बाद उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी ली हूँ और उसको भी मिला दी है अच्छे से। और यहाँ देखिए, 2 चुटकी जैसा, 2 पिंच जैसा यहाँ खाने वाला सोडा है, इसको भी अच्छे से मिलाने के बाद, इतने कड़क, देखिए इस आटा को इतना कड़क लगाना है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे लिट्टी सबका आटा लगाते हैं, बस उतने ही कड़क होना चाहिए ये। अब इसको दिखाते हैं, देखिए जैसे इसको निकाल रहे हैं तो ये इतने कड़क हैं। देखिए, तो ये कड़क रहेंगे तो आप इसको बहुत दिन तक भी रखो, ये सॉफ्ट नहीं होंगे और इसको बेलने में भी, छानने में भी दिक्कत नहीं होंगे। तो इसको एक लोई ले रही हूँ और इसको बेल लेते हैं। अब इसको गोल में बेलो, लंबाई में किसी तरह से इसको बेलो, लेकिन बहुत पतला, रोटी से भी पतला होना चाहिए ये, तब ये क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए, मैं बेल ली हूँ इसको और आपको दिखा रही हूँ कितना पतला है ये। और इसके साइड का जो है चाकू से कट के निकाल देंगे, और चाकू का जो है सीधा रखें आप और उसको कट करते जाए ऐसे ही। अब कोई भी कटिंग दो, लेकिन ये कटिंग अच्छे लगते हैं, तो आप इसको स्क्वायर टाइप में ऐसे ही कट कर लें, थोड़ी सी लंबाई में। तो फ्रेंड्स, इसको निकालते, देखिए मैं ऐसी बेलन चकले में बेल ली हूँ, उसके बाद इसको चाकू से ही इसको निकाल दी हूँ और निकाल के एक बर्तन में रख ली हूँ। किसी भी आप थाली में रख लो उसको, ये नहीं चिपकेंगे, आप डरिए मत कि ऐसे एक से एक चिपक जाएंगे, वो नहीं चिपकेंगे, क्योंकि इसका आटा बहुत हार्ड लगाई हूँ तो ये चिपकने का डर नहीं है। और ऐसे मैं इसको दूसरा भी बेल ली हूँ और इसको गोल बेली हूँ, देखिए। और इसको बेलने के बाद इसको कटिंग कर रही हूँ इसके, देखिए ऐसे बीच से आप रखो, चाकू के सीधा रखें, ऐसे नहीं हो, अगर होता है तो आप स्केल ले लें, मतलब 1 इंच में 2 से 3 डिवाइड कर दे उसको, बीच से कटिंग कर दे। देखिए, इतने पतले और लंबाई में भी ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही कटिंग अच्छे लगते हैं और मार्केट में भी ऐसे ही मिलते हैं फ्रेंड्स, एकदम मार्केट वाला फ्लेवर और उसी तरह क्रंची भी। आप कितनों दिन तक भी रखो, ये सॉफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसका आटा बहुत अच्छे से लगा हुआ है, क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। यहाँ ऑयल भी गर्म हो गया है, देखिए मैंने यहाँ रिफाइन ली हूँ, इसको हीट को देखने के लिए मैंने 1 ठो इसमें डाल दी। देखिए कितने अच्छे से ये हीट है, ऊपर में जैसे डाले ये तुरंत ऊपर आ गया है और ये पूरा झाग दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तेल मतलब हीट है। अब चलिए, इसको डाल देते हैं किसी भी, देखिए आप छनोटे में इसको उठाओ, ऐसे ही आप डाल दें, डरिए मत कि ये चिपक जाएंगे जाके, वहाँ नहीं चिपकेंगे। देखिए, एक एक करके मैं एक छनोटे से पतला वाला से ये चम्मच चाकू किसी से भी आप थोड़ी सी ऐसे हिला दें, उसके बाद इसको छानें। तो मैं देखिए हिला दी हूँ, अब इसको दिखा रही हूँ कि ये चिपके नहीं हैं, एक भी नहीं चिपके हैं एक दूसरे से। चलिए, इसको अब अंदर से इसको निकाल के दिखा रही हूँ, अंदर जैसे इसको डालेंगे छनोटा, देखिए दिख रहा है ना, थोड़ा सा भी एक भी नहीं चिपके हैं। तो ऐसे ही मैं एक थाली में रख दी हूँ सारे को, और उसके बाद इसको छान लिए हैं, 3-4 बैच में इसको छान लिए हैं। और देखिए, इसको जब आप डालें तो हीट होना चाहिए तेल, और उसके बाद धीरे धीरे मीडियम में कर दें। देखिए, यहाँ मैं एक बर्तन में इसको रख ली हूँ, ऐसे भी ये नहीं चिपकेंगे। इसको छनोटे से उठा के, हाथ से उठा उठा के आप इसको डालो ऑयल में, ऑयल पूरा हीट होना चाहिए जब इसको डालें तो,
और फिर उसको आप मीडियम में कर दें, मीडियम में इसको तलें धीरे धीरे आँच में, ताकि ये इसका क्रिस्पी बना रहे। तो फ्रेंड्स ये सारे को मैं यहाँ तल ली हूँ, और देखिए इसको धीरे धीरे तलेंगे तो ये क्रिस्पी भी रहेंगे, कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे। आप महीनों डेढ़ महीना तक भी रखो, ये सॉफ्ट नहीं होंगे। और ये टी स्नैक्स भी, और बच्चे भी ऐसे जैसे कुरकुरे वगैरह सब खाते ना, उस तरह भी ये इसको मज़े लेकर खाएंगे। अब इसको ज़रूर एक बार बना के देखिए, बना के देखिए इसका क्रिस्पीपन देखिए। जैसे मैं इसको डाल रही हूँ, देखिए ये आराम से टूट जा रहे हैं, मतलब पूरा क्रिस्पी बने हुए हैं। ऐसे करके मैं चार पाँच बैच में इसको छान ली हूँ। जब भी आप इसको डालें तो तेल पूरा हीट होना चाहिए, ये ध्यान रखें, तब इसमें चिपकेंगे नहीं ना कढ़ाई में, नहीं तो एक दूसरे से ये चिपकेंगे। और नहीं तो तेल अगर ठंडा रहा तो फिर ये अच्छे से बनेंगे भी नहीं और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। ऐसे करके मैं चार पाँच बैच में इसको छान के रख ली हूँ, और देखिए मेरे सारे नमक पारी बन के तैयार है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, 3 से 4 रोज़ में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आटे का भी हेल्दी भी है, आप इसको बच्चे को भी दे सकते हो, और बच्चे बड़े सब तो एकदम टूट पड़ेंगे इसमें। देखिए इतने क्रिस्पी ये बने हुए हैं देखिए, और ये सॉफ्ट नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। आप इस तरह से अगर बनाओगे तो कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे। मैं इसको बना के रखी हूँ, बहुत बार इसको चटनी के साथ आप खाओ, या तो फिर आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ ये है मिर्ची, हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी, जो कि मार्केट में मिलते हैं फ्रेंड्स। आप ठेले वाले के साथ वैसे कभी खाए हो मेला वगैरह में, तो ऐसे ही मिलते हैं, इसको खाइएगा। तो बार बार आप इसको बनाइएगा, तो एक बार ज़रूर बनाएं। और गेहूं का आटे का बनाए हैं, तो इसका मतलब ये हेल्दी भी है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।